गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर सिक्स का रिवाइज रिवीज़न करेंगे तो मालव जी फौजदार है जो पाठ है हमारा वो ये पाठ का प्रकार है एकांकी एक तो इसमें इस, इस लेसन में जो एक छोटा बालक होता है जिसका नाम मालव जी है उसकी निर्भयता प्रतिज्ञा पालन कर्तव्य भावना और मातृप्रेम में इस पाठ में इस एकांकी एक में प्रस्तुत किया गया है साथ में मराठा साम्राज्य के जो महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है ओके तो एक नाटक के जैसा ये पाठ है इसमें नाटक के जैसे भी हम जो इसको दर्शा सकते हैं शिवाजी है बालक है यानी कि वो मानव जी ताना जी और दरबार तो ये लेसन तो हम पढ़ चुके हैं ओके तो ये लेसन हम सबको अच्छे से याद भी है तो हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे ओके जो शब्दार्थ हम देखेंगे शब्दार्थ देखेंगे तो शब्दार्थ का मतलब है समानार्थी और शब्द में भी ये शब्दार्थ हो सकते हैं जो तत्पर तो उसका मतलब है तैयार कष्ट तो दुख कर्तव्य तो फर्ज मुग्ध मोहित पर्याप्त काफी वत्स बालक दुभर तो कठिन दायित्व तो जिम्मेदारी प्रतिष्ठा तो सम्मान चेष्टा प्रयत्न करना अगाध यानी कि गहरा और अपार ओके अब है मुहावरे जिसका आपको सेंटेंस भी बनाना होता है तो फर्स्ट है प्राण न्यछावर करना तो जीवन समर्पित करना वध करना हत्या करना मार डालना हिम्मत न पड़ना तो बात न कर सकना जीवन दान देना तो जिंदा जाने देना ओके okay, अब इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर तो पहले अभ्यास का क्वेश्चन हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए तैयार हो गया मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तो उसका आंसर के मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सैनिक थे वो युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण दे उन्होंने युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए थे उनको मरे दो साल हो गए थे तब से मालव जी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया परंतु तीन महीनों से उन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता था मालव जी से मालव जी बहुत ही दुखी था और उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा लालच में शिवाजी मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया ओके okay? और सेकंड क्वेश्चन है कि अपनी हत्या के में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएँ व्यक्त की जब मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए आए तो उनकी हत्या की उन्होंने कौन सी कौन सी शंकाएं बताई तो शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था क्या मैंने उसे कभी हानि पहुंचाई है क्या वह मराठा का मालिक बनना चाहता था क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है था इस तरह से अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने अलग अलग शंकाए व्यक्त की अगर आपको ये जो एकांकी एक है तो उसको कौन से कौन सा शीर्षक आप दोगे और क्यों कौन सा शीर्षक दोगे अगर इस पाठ में मालव जी फौजदार की जगह अगर तुम्हें देना है तो कौन सा शीर्षक दे सकते हो तो तो सत्यवादी मालव जी भी दे सकते हैं हम क्षमाशील शिवाजी भी ले सकते हैं हम और शिवाजी की शिवाजी की क्षमाशीलता ये पर हम दे सकते हैं ओके okay? क्यों वो तो आप जो भी एक शीर्षक उचित जो समझते हो वो क्यों देना चाहते हो उसके बारे में बताना है ओके फोर्थ नंबर का अभ्यास का क्वेश्चन है शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में भर्ती क्यों करना चाहते थे तो उसका आंसर है कि मालव जी वीर सासी होने के सास साथ साथ वह क्षत्रिय पुत्र था वह अपनी माता का आदर करता था वह सत्यवादी और अपने वचन का पक्का था शिवाजी का विश्वास था कि मालव जी मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा इसलिए शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे और अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है तो बालक अपनी माँ के जो पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपना चाहता है तो शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेलखाने में बंद किया था उन्होंने अगले दिन उसे मृत्यु दंड देने की बात की थी बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्यु दंड अवश्य देंगे उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ जो है वो अकेली और बेसहारा हो जाएगी इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपना चाहता है ओके okay? तो ये जो क्वेश्चन है वो है अभ्यास के अब हम देखेंगे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर ओके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम थोड़े वन या टू सेंटेंस वाले आंसर देंगे शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था तो भवानी का मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए तो दो वर्ष हुए थे तानाजी ने अपने आपको शिवाजी का क्या बताया दस बताया तानाजी कौन थे तो तानाजी एक सेना नायक थे शिवाजी के नाम से कौन कापता था तो शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना काटती थी? थी तो उसका आंसर है मुगल सेना अब ये हमने वन वर्ड्स के देखे अब सेंटेंस में देखेंगे हम मालव जी कौन था तो मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहता था तो धन की लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था मालव जी को का लालच किसने दिया था तो एक सैनिक ने दिया था शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की तो शिवाजी ने मालव जी के अपनी माँ के दर्शन करने की इच्छा को पूरा किया शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है तो शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसी सेना नायकों पर गर्व करती है मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी तो मालव जी के बारे में तानाजी की राय यह थी कि मालव जी की वीरता और वो साहस पर मुग्ध थे तानाजी ने ने और शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया तो तानाजी ने शिवाजी के यह गुण पर आश्चर्य प्रकट किया कि घातक के प्रति इतनी दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया क्योंकि मालव जी उसको मानने आया था तो भी उसके प्रति उसके अंदर दया लगा दिखाई उन्होंने मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया तो मालव जी ने अपने को मिलने वाले मृत्यु दंड की बात माँ को नहीं बताई अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की तो अंत मालव जी ने कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा यह प्रतिज्ञा की शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे ओके okay? नेक्स्ट हम जो स्वाध्याय के अकॉर्डिंग थोड़े ब्रीफ दो तीन सेंटेंस में जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर हम तैयार करेंगे ओके okay? उसका रिवीजन करेंगे मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताता है तो मालव जी ने वध करने का पहला कारण यह है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे फिर एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया था तो यह कारण दो बताया सेकंड क्वेश्चन है कष्ट होने पर भी मालव जी, जी के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी इसलिए मालव जी को लगता था कि मेरे पिताजी जैसे वीर सैनिक ने कि वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए तो मेरे परिवार का ध्यान रखना शिवाजी का कर्तव्य था यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी जी शिवाजी के पास नहीं गए और थर्ड क्वेश्चन है कि मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी तो मृत्यु दंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी और फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं तो हम सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं वो सेट टू वोम जब वो सेट टू वो कौन किससे कहता है जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए ये किसने किससे कहा तो शिवाजी ने मालव जी से शिवाजी मालव जी से कहते हैं मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ मालव जी शिवाजी से कहता है मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध ये किसने कहा था तो ताना जी ने शिवाजी से कहा था तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है किसने किससे कहा तो वो भी शिवाजी ने ताना जी से कहा महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है ए किसने कहा तो एक दरबार शिवाजी से कहता है जो दरबार होता है वो मैं तुमसे तो यही आशा करता हूँ तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं महाराज यह शरीर आपका है तो मालव जी ने शिवाजी से कहा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है के जो नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया छोड़कर पिसने अपना बापू लगे काम आटा तो उसका सही सेंटेंस बापू अपना काम छोड़कर आटा पिसने लगे तो देखते दृष्टि से सी प्रेम शिवाजी और उसकी रहे तो पहले सेंटेंस हम अच्छे से बनाएंगे तो कैसे बनेंगे शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि प्रेम दृष्टि से देखते रहे शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे सेकंड है बात सत्य है जो उससे अवश्य बता मैं दूंगा तो जो बात सत्य है उससे मैं अवश्य बता दूंगा क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी तो सही सेंटेंस होगा कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए तो क्या होगा उन्होंने देश की रक्षा के लिए रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ओके इस तरह से हमें सही सेंटेंस बनाना है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो नीचे दिए गए सेंटेंस है वाक्य है, उसमें से विशेषण शब्द कौन सा है? उसको अलग करना है और टाइप्स ऑफ विशेषण लिखना है ओके देखो परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते तो है परिश्रमी गुणवाचक विशेषण गुणवाचक परिश्रम शब्द है वो गुण है अब्दुल बीस किलो आटा लाया तो है बीस किलो तो ये परिमाण नाप बताया है एक माप तो परी ना परिमाणवाचक वाचक विशेषण राम ने पांच मीटर कपड़ा खरीदा तो पांच मीटर विशेषण शब्द है पांच मीटर ये भी एक नाप दर्शाया है तो यह भी परिमाण वाचक विशेषण देखो पच्चीस छात्रों ने सही उत्तर दिए तो एक तो पच्चीस वो संख्यावाचक विशेषण है और सही एक गुणवाचक विशेषण एक गुण है ओके okay. दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी तो बहुत परिमाण वाचक रेशमा के पास तीन किताबें है तो तीन संख्यावाचक विशेषण है कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं तो कुछ शब्द है वो विशेषण है लेकिन क्या है कुछ पता नहीं कितने लड़के हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पता होता है तो निश्चित ओके okay? मां ने चाय में थोड़ा दूध डाला तो थोड़ा तो भी एक नाप है परिमाण वाचक रहे हैं तो वे वे एक सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण है आप किस आदमी की बात कर रहे हो तो किस ये भी एक सार्वनामिक विशेषण है ओके okay? तो स्टूडेंट इस तरह से आपको घर पर बैठकर ये जो रिवीजन यहाँ से कर रहे हैं उसको आपको रिवाइज करना है याद करना है और फिर से लिखकर आपको तैयार करना है ओके थैंक यू